मेरा नाम सैयद इसार अहमद है और एक मैंने अपने नाम के ऊपर भी लिखा है, बार बार सुनाता रहूंगा ताकि नाम मेरा भी हुआ करे। जो मेरा नाम जो बीच एक्चुअल नेम है इसार है, जो समझते नहीं इसार का मतलब क्या है, कैसे समझेंगे कि वो प्यार का मतलब क्या है। जो समझते नहीं इसार का मतलब क्या है, कैसे समझेंगे कि वो प्यार का मतलब क्या है। जब तेरे हुस्न की हर एक अदा कातिल है, जब तेरे हुस्न की हर एक अदा है कातिल, फिर तेरे हाथ में तलवार का मतलब क्या है। अच्छा, एक बचपन के ऊपर काफी लोगों ने कहा है दो लाइनें, मेरा एट रैंडम मतलब रैंडम रहेगा, बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स पे जो मैंने पहले लिखे हैं। बचपन के ऊपर है, गमों की मिकदार इतनी नहीं कि बचपना भूल जाएं हम, गमों की मिकदार इतनी नहीं कि बचपना भूल जाएं हम। ये बचपन के वही यादगार लम्हे हैं जो हमें गमगीन होने नहीं देते। एक और इसके ऊपर है, महबूब के ऊपर है, खुदा बदलोगे कब तक ऐ लापरवाह इंसान, खुदा बदलोगे कब तक ऐ लापरवाह इंसान, महबूब को मना लेते ही तो अच्छा था। अच्छा, एक और है, तुम नजरअंदाज भी करो तो ये तुम्हारी जालिम नजर का ही एक अंदाज होगा, तुम नजरअंदाज भी करो तो ये तुम्हारी जालिम नजर का ही एक अंदाज होगा, तड़प तड़प के हम मर न जाएं तो फिर हमारी अनकही मोहब्बत से क्या हिसाब होगा। खाली होना भी एक भरम, खाली होना भी एक भरम ही तो है, वरना खिलवत में गुजारे लम्हे तो वक्त वाकई बेमिसाल होते हैं। खिलवत मतलब सॉलिट्यूड। उनसे खिलवत के ऊपर एक और है, उनसे कह दो कि हमें खाली न समझा करे वो, उनसे कह दो कि हमें खाली न समझा करे वो, बैठक में हमारे भी लोग 50 आते हैं। अच्छा, एक और है जो हम लोग की जिंदगी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, उसके ऊपर दो लाइनें हैं, तह बतह जिंदगी के फसाने खोलते हैं अपना राज, तह बतह जिंदगी के फसाने खोलते हैं अपना राज, जिंदगी भी प्यास की मानिंद नजर आती है, जिंदगी भी प्यास की मानिंद नजर आती है। एक दरियाई लहर का सा उफान था जो हम पे जुस्तजू की बौछार कर गया, एक दरियाई लहर का सा उफान था जो हम पे जुस्तजू की बौछार कर गया, हमारी क्या बिसात थी, हमारी क्या बिसात थी, वो तो बस यूं के वो एक खूबसूरत सा इसरार कर गया। एक आखिरी कहता हूं मैं, छोटा सा है, करोगे क्या भला इतनी बेइंतहा मोहब्बत करके, करोगे क्या भला इतनी बेइंतहा मोहब्बत करके यारा, यहां तो दिल लगी के लिए बस एहसास मोहब्बत ही काफी है। शुक्रिया।